सब्सक्राइब करिए अमन्स किचन यूट्यूब चैनल पे और बेल आइकन पे दबाइए लेटेस्ट कुकिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं जो है आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आया हूँ, जो कि है चिकन फ्राई की। अब चिकन फ्राई की रेसिपी को तो हर कोई बता देता है, लेकिन उसे क्रिस्पी कैसे करना है और साथ ही साथ में उसके साथ चटनी कौन सी रखनी है, तो इस रेसिपी में जो है आपको दोनों मिलेगा। अब आवाज़ सुन के तो आपको पता चल ही गया होगा, तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करते हैं दोस्तों। तो अभी जो है मेरे पास है यहाँ पे 2 किलो चिकन, जिसको हम लोग ने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, और इसे जो है सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास जो है 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च थी, इसको मैंने ऐड कर दिया। थोड़ा सा जो है पुदीना पत्ता था, उसको ऐड कर दिया है। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा धनिया पत्ता है, इसको बारीक काट लिया मैंने, इसको भी ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है यहाँ पे, मैंने इसको भी ऐड कर दिया है। जैसे ही मैंने उसके अंदर डाला, आप देख सकते हैं उसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। इसी के साथ यहाँ पे मेरे पास है 1 कप दही, तो ये दही जो है वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया है। थोड़ा सा जो है चिली फ्लेक्स हम लोग ने यहाँ पे लेके रखा है, इसको भी ऐड कर देना है। इसके अंदर जो है मॉइस्चर नहीं होना चाहिए दोस्तों, वरना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो क्रिस्पी बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे जो है ऐड कर रहे हैं कॉर्नफ्लावर को। तो कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी दोस्तों आप ले लेना 2 कप, और यहाँ पे जो है हम 2 कप मैदा भी ऐड कर रहे हैं। तो मैदा इसलिए ऐड कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि ये टेम्पूरा बैटर जैसा बनेगा। आपको मैं किसी दिन टेम्पूरा बैटर के बारे में बिल्कुल समझाऊंगा। तो इसी के साथ हम लोग जो है यहाँ पे 2 बड़े चम्मच नमक को भी ऐड कर देते हैं। नमक जो है दोस्तों आप अपने स्वाद के अनुसार भी रखिएगा, लेकिन यहाँ पे आप 2 बड़े चम्मच तो बिल्कुल ऐड करिएगा अगर आप 2 किलो बना रहे हो तो। अभी जो है हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर जो है वो इसलिए ऐड करना ज़रूरी है दोस्तों, धनिया पाउडर से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो अगर आपने मेरी पुरानी रेसिपी भी देखी होगी तो उसके अंदर भी मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। इसी के साथ यहाँ पे हम लोग जो है 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ऐड करते हैं। तो दोस्तों ये घर का बना हुआ गरम मसाला है, और यहाँ पे जो है 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा कॉर्नफ्लावर और मैदा जो है क्रिस्पी बनेगा। इसी के साथ यहाँ पे मैं जो है 2 अंडे ऐड कर रहा हूँ। किसी दिन जो है मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि एक हाथ से अंडा कैसे तोड़ा जाए, आप घर पे प्रैक्टिस बिल्कुल करते रहिएगा। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल जो इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि ये एक टाइम का मैरिनेशन है, मैं आपको ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट करने के लिए नहीं बोलूँगा। उसी के साथ हम लोग यहाँ पे जो है 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर का ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मैं हाथ से मिक्स कर रहा हूँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट को जो है सबसे पहले हम लोग पूरी अच्छी तरीके से फैला देते हैं, उसके बाद जो है हम लोग सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको कम से कम इसे 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई चिकन की बात, लेकिन चिकन के साथ जो है इसकी चटनी भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊँगा कि कैसे इसके साथ एक चटनी बनाई जाए। तो यहाँ पर मेरे पास है थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना पत्ता, दोनों 1-1 कप हैं। यहाँ पर मेरे पास है 1 कप दही, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 बड़ा चम्मच शाही जीरा, और 1 कप जो है मेरे पास यहाँ पे कच्चा आम है, जिसको हम कैरी भी बोलते हैं, उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है, और 1 छोटा नींबू का रस है। तो ये दोनों जो है खटास देगा, और क्रिस्पी चिकन बनाने के लिए ये हमारे साथ जब चटनी जाएगी तो बहुत अच्छी रहेगी। दोनों को हमें दोस्तों ब्लेंड कर लेना है बिना पानी के, और चटनी को देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरीके से बन गई है, और ये चटनी जो है काफ़ी थिक है। अगर आप ऐसी चटनी बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इसके साथ खाने में। तो इसी के साथ हमारा मीडियम हाई फ्लेम पे जो है तेल गरम हो चुका है। तेल जो है दोस्तों मीडियम हाई पे ही रखना है आपको। उसके बाद जो है पीसेस को ऐड कर देना है। पीसेस को ऐड कर देने के बाद आपको कम से कम 3 मिनट जो है इसको फ्लिप नहीं करना है, ना इसको टच करना है, वरना मसाला उतर जाएगा। मसाला उतर जाएगा तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको जो है एक ऐसा चिकन खाना पड़े जिसके अंदर कोटिंग ही ना हो। तो इसको जो है 3 मिनट बिल्कुल मत छूइएगा आप। उसके बाद जो है हम इसको फ्लिप करेंगे। उसी के साथ आप जो है पैन में थोड़ी सी जगह छोड़िएगा ताकि जो है ये अच्छी तरीके से चिकन पक सके। एकदम ज़्यादा भी पैन में ऐड मत करिएगा आप, और जो है इसको 3 मिनट पकाइएगा। 3 मिनट पकाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पक रहा है। अब इसको अगर मैं फ्लिप भी कर रहा हूँ तो इसका मैरिनेशन जो है वो उससे अलग नहीं हो रहा है।
तो ये जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, और आप भी बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा, बिल्कुल 3 मिनट तक पलटिएगा नहीं। उसके बाद जो है हम 3 से 4 मिनट इसको और पकाएंगे। टोटल जो है वो लगभग 8 मिनट लगता है वैसे पकने में, हो सकता है अगर आपके पीसेस बड़े हों तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो लेकिन जो है आप इसको पकाइएगा ज़रूर। 8 से 10 मिनट में आपका चिकन जो है रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद जो है आप इसको रिमूव कर लीजिएगा और आप देख सकते हैं अच्छा सा गोल्डन फ्राई जो है चिकन होगा, अगर मीडियम हाई फ्लेम पे तो ही बनेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसके पीसेस को तोड़ रहा हूँ। पीसेस जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से गले हुए हैं, और आपको मैंने जैसे पहले साउंड सुनाया था तो काफ़ी क्रिस्पी भी है। तो अभी जो है मैं इसको अपनी चटनी के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, और दोस्तों आप ये चटनी बिल्कुल बनाइएगा इसके साथ, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। मैं आपके लिए जो है रोज़ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आता रहूँगा। तो मैं फिर मिलता हूँ आपसे नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।